हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र स्वामी। टुडेज वी डिस्कस अबाउट द फिजिक्स ऑफ 12th क्लास एंड फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। एंड व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन देर आर फोर चैप्टर आर इंक्लूड इन RBSC फिजिक्स सिलेबस, विच इज फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इज गाउस लॉ एंड इट्स अप्लीकेशन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और ये चार के चार चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से 7 मार्क्स के आते हैं। टुडेज आवर टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज डेफिनेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ चार्ज, एंड फोर्थ वन इज यूनिट ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। Now we discuss about definition of charge. तो my dear student, जब हम charge की definition बनाना चाहते हैं तब हमें mass की help लेनी पड़ती है। Mass क्या है? किसी भी matter की properties है जिसके according वो किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। मीन्स टू से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तब वहाँ न्यूटन्स के अकॉर्डिंग दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दोनों आ जाते हैं। वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके कारण है? ड्यू टू मास ऑफ ए बॉडी, बॉडी के मास के कारण होता है। अर्थ जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसका रीजन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग मास एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोई भी मैटर या कोई भी बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बिहेव है उसको शो करती है, उसको एक्सपीरियंस करती है और उसको शो भी करती है। यानी वो खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करती है तथा दूसरे के ऊपर अगर उसको अप्लाई किया जाए तो वो इफेक्ट भी शो करती है। सिमिलरली जब चार्ज की डेफिनेशन आती है तो चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी शो टू इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, एंड सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज डिनोटेड बाई बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाई ई। जब हम चार्ज की डेफिनेशन करते हैं तो चार्ज जो है वो दो इफेक्ट को शो करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को और सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड को। तो यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन फिर क्या हुई कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अकॉर्डिंग
वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड करता है, शो करता है एंड फेल्ट इट, और इसको अनुभव भी करता है। यानी अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो इसका इफेक्ट चार्ज के ऊपर आता है, और चार्ज खुद भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन ऑफ चार्ज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कंसेप्ट ऑफ चार्ज में सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल जो आप पहले केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर चुके हो कि यदि अपने पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं, वो किस अकॉर्डिंग बनते हैं, किसी भी एटम के अंदर उसकी जो न्यूक्लियस होती है उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 एंड फॉर क्लोरीन इट इज 287। तो सोडियम और क्लोरीन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसका ऑक्टेंट पूरा करना है, इसका ऑक्टेंट इसको भी पूरा करना है, दोनों के अंदर ऑक्टेंट पूरा करना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो इसका जो लास्ट सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक है और इसमें कितने हैं, 7 है। तो ऑक्टेंट के लिए अपना अष्टक जो है इसका ऑक्टेंट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी रहेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहेगा, क्योंकि इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना मुश्किल रहेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कंपैरिजन में। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना, देखिए जो Na पॉजिटिव ये आप पहले देख चुके हो, इसके अकॉर्डिंग जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही क्यों आया, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए जो Na अपने पास एटम है Na, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है, क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव आयन बन रहा है, क्या बन रहा है, नेगेटिव आयन। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकला कि जो भी बॉडी या जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है अपने से, उसका उसको छोड़ता है, तो उस वक्त वो जो एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव आयन बनता है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बने हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के दौरान बने हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसलेट हो रहे हैं तब ऐसा पॉसिबल हुआ है। इट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर डिपेंड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन। यानी इलेक्ट्रॉन का जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है तभी पॉसिबल है कि जो आयन है वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास इसके दो रीजन बनते हैं, क्योंकि हमारे से कोई भी ये क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकता है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसलेशन है वही क्यों यूज कर रहे हो, उसका क्या कारण है, प्रोटॉन जो है वो किसी भी एटम से रिमूव क्यों नहीं हो रहे। तो इसके लिए अपने पास दो रीजन है। फर्स्ट है मास एंड सेकंड है न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स
जो प्रोटॉन होता है वो हैवी होता है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 1837 गुना। इट मींस हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो हैवी है, तो हमें इसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और हमारी कॉमन सेंस भी है कि जो बॉडी हैवी होती है वो मुश्किल से चलती है लाइटली बॉडी की कंपैरिजन में। तो ये लाइट वेट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है मूव करता है या रिमूव होता है। सेकंड अपने पास है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मींस एक एटम की जो अपने पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में पड़े होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल यानी जो हम कह सकते हैं नाभिकीय बल जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, वो मच ग्रेटर यूनिवर्स का बहुत ही स्टेबल फोर्स होता है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की या नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन के फोर्स की, तो वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, वीक फोर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस से रिमूव नहीं होते। तो ये दो कारण होंगे अपने पास कि इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एटम से क्यों रिमूव होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसलेशन के कारण ही हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं। इसके बाद में अपना है, अगर हम डिस्कस करें नेचर ऑफ चार्ज मींस जो अपने पास आयन थे उसके अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो किस अकॉर्डिंग आते हैं, या हम उसकी स्टडी में हम ये कह सकते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नेचर ऑफ चार्ज के लिए हम पहले कंसीडर करते हैं अपनी ग्लास रोड G1 एंड प्लास्टिक रोड P1 और एक जो सिल्क क्लॉथ है वो भी लेते हैं यहाँ, और उसके बाद में हमारे पास बिट ऑफ पेपर्स, क्या है बिट ऑफ पेपर्स, कागज के टुकड़े हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, G1 को सिल्क क्लॉथ के ऊपर इस प्रकार से रब करोगे और उसके बाद में इसके नज़दीक लेके आओगे, तो आप देखोगे कि जो बिट ऑफ पेपर हैं, कागज़ के जो टुकड़े हैं, वो सिल्क क्लॉथ की ओर अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। और सिमिलरली जब आप P1 रोड को इसके नज़दीक सिल्क क्लॉथ के ऊपर ऐसे रब करके जब इसके नज़दीक लेके आओगे बिट ऑफ पेपर के, तो भी क्या करेंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास ये प्रॉपर्टी निकल के आई कि जो चार्ज होता है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है एक अट्रैक्शन फोर्स है, इस एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद में जब आगे इसको और बढ़ाया गया तो हम दूसरी ग्लास रोड G2 यूज करते हैं और P2 यूज करते हैं, तो क्या देखा गया कि जब दोनों ग्लास रोड इसके ऊपर रब करके, दोनों ग्लास रोड G1 G2 इसके ऊपर रब करने के बाद जब बिट ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाई गई, तो जो अट्रैक्शन फोर्स था वो और अधिक बढ़ गया, पहले से इंक्रीज हो गया पहले से, और ऐसे ही जब P1 P2 के साथ किया तो भी इंक्रीज हो गया। इट मीन्स इतना कन्फर्म हो गया कि जैसे ही ग्लास रोड की जो वैल्यू है वो हम जो उसकी काउंटिंग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसे ही प्लास्टिक रोड के साथ हो रहा है। उसके बाद में एक नया कंसेप्ट लिया गया, G1 P1 को इकट्ठा किया गया, एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड को जब सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करने के बाद में जब बिट ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाया गया
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बहुत ही वीक था, वो क्या था, बहुत ही वीक था। यहां सोचने वाली बात है कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड दोनों को रब करने के बाद जब भी टॉप पेपर के नजदीक ले जाया गया तो अट्रैक्शन जो था वो बहुत ही कम आया। इसका मतलब यहां से ये बात निकल के आई कि जो ग्लास रोड थी उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक रोड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि जो ग्लास रोड होती है वो रेशम के कपड़े पर यानी सिल्क क्लॉथ पर रब करने के बाद में पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि प्लास्टिक रोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो थे वो क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। न्यूट्रलाइज होने के कारण हम इसको मैथ के नंबर से जोड़ सकते हैं कि जैसे मैथ के अंदर जब प्लस और माइनस को मिक्सअप किया जाता है तो वैल्यू जो होती है वो घटती है या बढ़ती है। जो अपने पास वैल्यू प्लस और माइनस है उसकी वैल्यू जो है मिक्स करने के बाद में वैल्यू लेस होती जाती है। इसलिए इसके आधार पर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश जो थे यानी चार्ज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज हैव टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम जो इसका रिपल्सन फोर्सन है, भी रिपल्सन भी होता है जो प्लस और माइनस, अभी तक हमने टू काइंड्स ऑफ चार्ज पढ़े हैं, अब एक दूसरा स्टेप और यूज करते हैं हम। उसके लिए हमने क्या किया कि एक इस प्रकार से हैंगर के ऊपर एक धागे की सहायता से एक पॉजिटिव रोड जो है ग्लास रोड है वो लटका दी। इसके बाद हम इसके नज़दीक एक नेगेटिव रोड लेके आए तो हमने ये देखा कि ये रोटेट हो जाती है, जो ग्लास रोड है वो रोटेट हो जाती है और वो इस प्रकार से रोटेट होती है, ऐसे घूमती है, ऐसे रोटेट होती है। और जब हमने देखा कि इसी स्टेप को जब हमने दोबारा से रिपीट करके देखा, इसको नेगेटिव लिया और यहाँ पर क्या हो गया, ग्लास रोड नेगेटिव ली गई और इसको भी नेगेटिव रखा गया, तब इसका जो रोटेशन है वो इसके अपोजिट हो जाता है, यानी ये ग्लास रोड जो है वो ऐसे रोटेट करती है। इट मीन्स ये भी हमें सामने आ गया कि अभी तक जितने भी जो हमने स्टडी की है उसके अंदर ये देखा है कि किसी प्रकार का कोई रिपल्सन अभी तक हमारे सामने नहीं आया था, बट इस स्टेप में हमने देखा कि रिपल्सन के कारण ही ये बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर सकती है, क्योंकि जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तब ये ऐसे रोटेट कर सकती है। अगर इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगता तो ये ऐसे रोटेट करनी थी इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ आ गया क्या कि यहाँ पर जो है रिपल्सन भी होता है चार्ज के अंदर। तो इन सभी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो लाइक चार्ज हैं, क्या है, लाइक चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज निकल के आता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू I इंटू T। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। लेकिन इसकी जगह क्या यूज किया गया, कूलाम जो है वो मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि कूलाम जो थे उन्होंने आवेश के बारे में काफ़ी अध्ययन किया
इसलिए उनके जो रिस्पेक्ट के लिए यहाँ हम यूज करते हैं गुलाम, सी इसका सिंबल होता है हॉर्स। उसके बाद में देखिए ये इसका जो एसआई यूनिट है यानी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, गुलाम है। सीजीएस जो है उसके अकॉर्डिंग जो इसका यूनिट बनेगा वो स्टेट गुलाम है, क्या है, स्टेट गुलाम। और इसके अकॉर्डिंग जो इसके जो अदर यूनिट हम यूज करते हैं वो माइक्रो गुलाम, नैनो गुलाम, पिको गुलाम एंड मिली गुलाम, 10^-3, 10^-6, -9, -12 गुलाम, ये इनका रिलेशन होता है, ये इसके अदर यूनिट हो गए। और जो इसका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का वो फैरड भी होता है, और 1 फैरड इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, एंड देन वी डिस्कशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, एंड देन वी डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज हैज टू टाइप, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, मीन्स टू से लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इन एसआई सिस्टम इज गुलाम एंड इन सीजीएस सिस्टम इज स्टेट गुलाम, एंड इट्स लार्जेस्ट यूनिट इज फैरड, एंड 1 फैरड इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।